छत्तीसगढ़ क्रिकेट काउंसिल एवं वीर स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रीमियर लीग सीपीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट काउंसिल एवं वीर स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रीमियर लीग सीपीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस मैच में कुल 32 मैच खेले जाएंगे, जिसमें महिला वर्ग 3 टीम व अन्य मैच पुरुष वर्ग द्वारा खेले जाएंगे। इस मैच का उद्घाटन 11 फरवरी को गांधी स्टेडियम अंबिकापुर में, राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में एवं बीएसपी सेक्टर 1 भिलाई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 से किया जाएगा। वो 4 मैच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में आयोजित होंगे। आयोजक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के होनहार एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जिन्हें पेशेवर क्रिकेट खेलने का उचित अवसर नहीं मिल पाता था तथा ये खिलाड़ी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलकर अपना करियर खराब कर रहे थे, उनके लिए ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। साथ ही ये प्रतियोगिता उनके लिए बेहद चेंजर साबित होगी। इस प्रतियोगिता से प्रदेश भर में पेशेवर क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भी BBCI की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किए जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट जो पेशेवर क्रिकेट है होता है, छत्तीसगढ़ के हमारे खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर क्रिकेट इवेंट छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का हम आयोजन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ऐसे खिलाड़ी जो अभावग्रसित हैं, जो आदिवासी अंचल से हैं, वनांचल अंचल से हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता था, ऐसे खिलाड़ियों को हमने पूरे प्रदेश भर से प्रोसेस किया है, उनको निकाल कर लेकर आए हैं और IPL की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की 8 टीमों को हमने बनाया है और इन 8 टीमों में इन खिलाड़ियों को ऑक्शन के माध्यम से चयन करके इनका हम टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। यह टूर्नामेंट भिलाई सेक्टर 1 के स्टेडियम में दिन रात्रि में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में खेला जाएगा, अंबिकापुर गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा, राजा रघुराज स्टेडियम बिलासपुर में खेला जाएगा और छत्तीसगढ़ में की विभिन्न परिस्थितियों से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको होकर गुजरना पड़ेगा। अलग अलग टर्फ विकेट में इनको खेलने का अवसर मिल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के ये खिलाड़ी जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएँ भरी हुई हैं और इनको हमारा उद्देश्य है कि इन्हें IPL में इनको मौका मिले, इन्हें हमारी प्रदेश की जो रणजी की टीम है उसमें मौका मिले, ये हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हम कब से कब तक होगा? 11 तारीख को, 11 फरवरी कल से भिलाई सेक्टर 1 अंबिकापुर में और बिलासपुर में इसका एक साथ इसका उद्घाटन समारोह हो रहा है। भिलाई में शाम 7 बजे से इसका उद्घाटन होने जा रहा है और नया रायपुर में 20 तारीख से इसका उद्घाटन होगा और 26 फरवरी को इसका समापन समारोह होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मुख्य अतिथि होंगे। जो विजयी होंगे उनको किस तरह का पुरस्कार है? देखिए, खिलाड़ियों के लिए धन की व्यवस्था की गई है, खिलाड़ियों को ऑक्शन के माध्यम से धन दिया जा रहा है। काफ़ी सारे खिलाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी राशि में बिके हैं, लाखों रुपए के पुरस्कार इस इवेंट में हम खिलाड़ियों को देने जा रहे हैं ताकि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों और जो खेल के इक्विपमेंट, जो क्रिकेट के सबसे महंगा खेल माना जाता है, इसके इक्विपमेंट्स को खरीदने में सक्षम हों, हम इतनी व्यवस्था उनकी करेंगे। जी, पहली बार, पिछली बार IPL में जिस प्रकार से 3 महिला टीमों को एक प्रयास किया गया था और वो काफ़ी सफल रहा था और उसी तर्ज पे हम लोगों ने भी इस बार प्रयास किया कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो हमारी बहनें हैं जो टेनिस बॉल से खेलती हैं, उनको कभी मौका नहीं मिला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देखने का, हम ऐसी ही हमारी बहनों को निकाल कर लेकर आए हैं। बस्तर से, सरगुजा से, पूरे प्रदेश भर से की महिलाएँ हैं, 45 लड़कियों का जो चयन इसमें हुआ है, 3 टीमें हम भी इस बार उनको बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हम उनको अवसर देने जा रहे हैं और उनके लिए भी हम। बहरहाल, इस मैच में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।